अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब भर के डिफरेंट स्कूलों में टीचर का हायरिंग प्रोसेस जारी है, जिसकी वाजह मिसाल ये है कि हमारे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को कॉल रिसीव हुई। इवन के कल भी एक हमारी फीमेल मेंबर थी जिसको यम्बो के एक इंटरनेशनल स्कूल से इंटरव्यू की कॉल रिसीव हुई, जिसका इंटरव्यू था। और कुछ जो मेल और फीमेल थे उनका कुछ दिन पहले भी ये इंटरव्यू था। तो सऊदी अरब में जनवरी 2025 के लिए एकेडमिक सेशन के लिए टीचिंग हायरिंग प्रोसेस जारी है, और कुछ टीचर्स को उन्होंने वीज़े भेजे थे जिसमें कुछ लोगों की डॉक्यूमेंटेशन का मसला बन गया, नहीं आ सके। कुछ लोगों के मेडिकल का इशू बन गया, नहीं आ सके। और भी डिफरेंट काइंड ऑफ सर्कमस्टांस की वजह से लोग नहीं आ सके, तो पोस्ट वीकेंट है, तो उन्होंने ये रीपोस्ट की हुई है और दोबारा हायरिंग प्रोसेस जारी है। कुछ स्कूल जो हैं वो 2026 के लिए भी एकेडमिक सेशन 2026 के लिए भी हायरिंग प्रोसेस कर रहे हैं। तो हम आप लोगों के साथ जो जिन जिन अदारों में पाकिस्तानी लोगों को अपॉइंट किया जाता है, या इंडियन लोगों को अपॉइंट किया जाता है, या एशियन कंट्रीज के लोगों को हायर किया जाता है, या ऑलरेडी लोग वहां पे वर्क कर रहे हैं, उनकी जॉब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आज भी हम एक स्कूल की जॉब आप लोगों के साथ लेके आए हैं जिसमें हाई स्कूल के उनको टीचर चाहिए, जिसमें उनको एलिमेंट्री स्कूल के यानी प्राइमरी स्कूल के, मिडिल स्कूल के, हाई स्कूल के लीडरशिप की दूसरी चाहिए, केजी के टीचर चाहिए, लाइब्रेरियन चाहिए, नॉन जो है वो एजुकेशनल स्टाफ चाहिए, तो जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ टीचिंग स्टाफ चाहिए और नॉन टीचिंग स्टाफ चाहिए। अब इंटरव्यू की कॉल उन लोगों को आती है जिनकी रिक्वायरमेंट जिस पे वो रिक्वायरमेंट पे पूरे उतरते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश की सीट है तो मास्टर इन इंग्लिश या एमफिल इंग्लिश वालों को ही वो कॉल करेंगे। अगर केमिस्ट्री की सीट है या बायोलॉजी की सीट है या कंप्यूटर की सीट है तो उन्हीं को वो कॉल करेंगे। दूसरे बंदे जितने भी अप्लाई करेंगे उनको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। स्पेसिफिक सीटें होती हैं, अभी स्कूल में तकरीबन कोई 20 के करीब सीट्स हैं, अब वो 20 लोग ही रखेंगे। जो लोग नहीं मतलब रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतरते या जिनके पास इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती तो फिर वो मीट नहीं करते और कहते हैं ऑनलाइन जॉब नहीं होते, मेजोसी पिलाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, सब ऑनलाइन जॉब होती है। हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो भरी पड़ी है ऑनलाइन जॉब की, इस साल तो बहुत सारे लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह हुई। तो आए आपको लेके चलते हैं और बताते हैं कि किस स्कूल में जॉब आई हुई है, अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है और कौन सी वेबसाइट है। इंटरनेशनल सीवी बनाएं, इंटरनेशनल कवर लेटर बनाएं, अप्लाई करें, अल्लाह ताला के साथ आपको कामयाब करें। थैंक यू। टेक्निकल चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको चीजों की समझ आ जाएगी, अप्लाई करने का तरीका पता चले जाएगा और कामयाबी का जो रेशियो है वो ज्यादा हो जाएगा। सबसे पहले तो हम आपको स्कूल का नाम बताते हैं कि अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल रियाद है। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है इस पे, क्या कंफ्यूजन है आए आपको बताता हूँ। ये देखिए एम्प्लॉयमेंट है, ये जो स्कूल है ये 2026 के लिए हायरिंग प्रोसेस कर रहा है। ये जितने भी अमेरिकन स्कूल हैं सऊदी अरब के अंदर, जितने जिन स्कूलों में भी अमेरिकन करिकुलम पढ़ाया जाता है वहां पे सारे पाकिस्तानी टीचर्स हैं। यहाँ पे वो कहते हैं करंट ओपनिंग सीट में कौन कौन सी दूसरी सीट्स हैं, तो उस पे चले जाते हैं। करंट ओपनिंग सीट्स में 25 के लिए स्टाफ था तो देयर इज नो फैकल्टी, और अब नीचे आ गया 2025 to 2026 के लिए, अगस्त 25 में ये लोग चाहिए। इनको अर्ली ईयर के लिए केजी का टीचर चाहिए, लोअर अपर सेकेंडरी स्कूल टीचर चाहिए, ये देखें डिफरेंट, ये प्राइमरी स्कूल के लिए ऊपर टीचर चाहिए, करिकुलम डिजाइन के लिए चाहिए, लर्निंग सपोर्टिव टीचर चाहिए, म्यूजिक के चाहिए, मिडिल स्कूल के लिए टीचर चाहिए, साइंस मैथ। अब इनमें कन्फ्यूजन क्या है, कन्फ्यूजन मैं आपको बताता हूँ। ये हाई स्कूल का टीचर चाहिए, मैथ का टीचर चाहिए, सोशल स्टडी का टीचर चाहिए, उसके अलावा भी ये डिफरेंट टीचर स्टाफ हैं, लाइब्रेरियन चाहिए, उसके अलावा ये आ गया केजी 12 सब्स्टिट्यूट टीचर चाहिए, इनको वॉलंटियर टीचर चाहिए। क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी इसमें डिफरेंट है, लीडरशिप के लिए क्या इनको रिक्वायरमेंट चाहिए, टीचर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। बहुत सारे लोग आधी चीजें पढ़ते हैं और फिर वो चले जाते हैं। इसमें ये कहते हैं कि बैचलर डिग्री चाहिए क्राइटेरिया, जो मिनिमम जो है टीचिंग जॉब के लिए, उसके बाद जो है टीचिंग लाइसेंस चाहिए यानी बीएड की डिग्री चाहिए, उसके बाद जो कैंडिडेट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद जो है इंग्लिश उसकी स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके बाद ये नीचे आ जाते हैं, हम चले जाते हैं टीचर पोजीशन पे, कि बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री प्रेफर्ड। ये बात जहन में रखें कि बैचलर डिग्री इनकी जरूरत है और जो मास्टर डिग्री है वो प्रेफर है। टीचिंग वेरी टीचिंग सर्टिफिकेट, नॉर्थ अमेरिकन सर्टिफिकेट आर प्रेफर्ड। अब नॉर्थ अमेरिकन जो ये सर्टिफिकेट लिखते हैं ये भी अमेरिका से लोग नहीं आते, ये जो पाकिस्तानी इंडियन अमेरिका के अंदर पढ़ने जाते हैं स्कॉलरशिप पे स्टूडेंट जाते हैं, बहुत सारे लोग मेरे से रबते में हैं या वहां के नेशनल हैं सऊदी अरब में जॉब करना चाहते हैं, वो भी एशियन ही होते हैं लेकिन वो यहाँ पे आके करते हैं। तो वो ढूंढते हैं कि अगर कोई ऐसा बंदा जो यूरोपियन यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हो या यूएसए की या यूके की, तो दे विल प्रेफर, नॉट नेसेसरी, ये देख लें
उसके बाद कहते हैं कि 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद डिफरेंट ये जो चीजें लिखी हुई हैं, क्रिमिनल कार्ड ना हो, डिजायर टू मिशन, यानी ये सारी चीजें करनी हो। तो बहुत सारे लोग ये कंफ्यूजन फैलाते हैं कि यार इनको तो अमेरिकन डिग्री चाहिए, ये इनको तो एक्रीडेटेड, अब एक्री पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटियां एक्रीडेटेड हैं, इंडिया की तकरीबन यूनिवर्सिटियां एक्रीडेटेड हैं और स्ट्रांग हैं, तो ये नेसेसरी नहीं है चीजें, ये सिर्फ मतलब प्रेफर्ड है। उसके बाद ये सारी चीजें हैं, आप इनको पढ़ें, उसके बाद आप अप्लाई पे चले जाएं। ये देखें नीचे भी बहुत सारे टीचर्स हैं, ये पहले भी हमने जॉब शेयर की थी लेकिन पहले थोड़ी जॉब्स थी, अब इस पे जाएं और ये इनका टीचिंग प्रोसेस हो जाता है। लीडरशिप के लिए करना तो लीडरशिप के लिए करें, टीचिंग के लिए करना तो टीचिंग प्रोसेस पे आप क्लिक करेंगे तो इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखें इसके लिए आपको ये टीचर पोजीशन है, अपनी ईमेल लिखें, हाउ यू नो जिस तरह भी आप लिखना चाहते हैं, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक, अपना नाम लिखें, फोन नंबर, कंट्री कोड पाकिस्तान है तो वो 92 लिखेंगे, 923, उसके बाद जो भी आपका नंबर है वो लिखेंगे, नेशनल नेशनल नेशनलिटी पाकिस्तान, पाकिस्तान लिख देंगे, किस कंट्री से आप करना चाहते हैं, या जिस अगर आप पाकिस्तानी हैं और आपके पास अमेरिकन पासपोर्ट है तो आप अमेरिका का कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप पढ़ के आगे नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। जब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो ये आपसे सीवी मांगेगा, कवर लेटर मांगेगा, इंटरनेशनल सीवी दें, इंटरनेशनल कवर लेटर दें, रियाद का बहुत अच्छा स्कूल है, हाईली पेड स्कूल है, बहुत अच्छी सैलरी है, फैमिली अकोमोडेशन देता है, तमाम फैसिलिटीज देता है। अब बहुत सारे लोगों को इसके लिंक का मसला आता है कि हमें लिंक नहीं मिल रहा, तो हम इसका लिंक जो है अपने फेसबुक पेज पे शेयर कर देते हैं, वहां पे आप जाएं और जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये 100% बिल्कुल जॉब है, पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू कॉल आ रही है, अभी भी जो है वीजा प्रोसेस जारी है, डिफरेंट कॉलेज रियाद के हैं, स्कूल जुबेल के अंदर स्कूल है, वहां पे भी टीचर्स चाहिए, हमारी हमारे यूट्यूब चैनल पे उनकी वीडियो मौजूद है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, जरूरतमंद लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आइंदा मालूमात वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।